नमस्कार, देखते रहिए केएम न्यूज़ टीवी चैनल। मैं रीता पटेल। आज हम गुजरात जिले के वलसाड में हैं, जहाँ यहाँ सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल रख लिया है। तो आज यहाँ ये सर से हम पूछेंगे कि रैली किसने निकाली है और उसका क्या कारण है। नमस्कार सर, आपका नाम है? तो ये रैली आपने किसने निकाली है? ये रैली हमारा जो सब मुद्दा है, सब ग्रेड पे का है और त्रिस्तरीय मार्का जो बोलते हैं ना उनका है, उसके हमारा पूरा करने के लिए ये रैली हम लोग निकाल रहे हैं। तो आप सरकार ने सरकार के सामने क्या मांगी रखी है सर? अभी तो हम लोग कामगिरी चालू रखा है और रिपोर्टिंग बंद है। आज मास सीएल का सब गुजरात पूरे गुजरात राज्य में मास सीएल का आयोजन किया है और उसके बाद हम लोग 17 तारीख को हम गांधीनगर जाके कमिश्नर कचहरी पे रैली करके आवेदन देने वाले हैं। ये रैली में कितने कर्मचारी हुए सर? रैली में करीबन 800 कर्मचारी शामिल है वलसाड जिला की बात करें तो, और इसमें सभी कैडर आए जाएंगे, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, MPSW, FAW, MPHS, FHS, टोटल 6 कैडर है, वो सब शामिल होंगे। ये रैली यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी? ये रैली यहाँ से कल्याण बाग होके टावर से निकल के फिर वापस यहाँ जिला पंचायत के आगे खड़ा। अगर सरकार ने आपकी मांग पूरी नहीं करेगी तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हमारा जो महासंघ है गुजरात राज्य आरोग्य कर्मचारी मंडल का, वो जो बोलेंगे उसके हिसाब से आगे का कार्यक्रम करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे केएम न्यूज़ टीवी चैनल। मैं रीता पटेल, कैमरामैन राजेश चौबे के साथ।